अभी अभी हम लोगों ने हमारे गढ़चिरौली में मेडिकल कॉलेज बने, इसका निर्णय हम लोगों ने लिया है। गढ़चिरौली में आने वाले दिनों में एयरपोर्ट बने, ये भी प्रयास हम लोग करने वाले हैं। और साथ साथ यहां पर एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम तैयार हो कि जिसके माध्यम से गढ़चिरौली के हमारे युवाओं के हाथ को काम मिले, उनको रोजगार मिले और वो यहां पर समृद्धि लाए, इस प्रकार का प्रयास हम लोग करेंगे। इस समय ये कहना भी लाजमी होगा कि गढ़चिरौली जिला और यहाँ की सारी संस्कृति एक बहुत बड़ी विरासत का एक हिस्सा है। हम लोग जानते हैं कि हमारे गोंड राजाओं ने एक बहुत बड़ी परंपरा यहाँ पर तैयार की, जो बहुत ही समृद्ध परंपरा थी, जो सांस्कृतिक रूप से एक बहुत ही अग्रणी इस प्रकार की परंपरा थी। पिछले कुछ दशकों में, कुछ शतकों में शायद हमारी इस आदिवासी परंपरा को थोड़ा पिछड़ापन देखना पड़ा, पर मेरा विश्वास है कि हमारे विश्वविद्यालय के प्रयासों के कारण अब जिस प्रकार से शिक्षा हर जगह पहुंच रही है, आने वाले दिनों में उसी चरम उत्कर्ष पर हमारा ये गढ़चिरौली जिला भी जाएगा और ये जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, इस धरोहर को समाहित करते हुए, उसको समृद्ध करते हुए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये विश्वास भी मैं व्यक्त करता हूं। इस बात का भी मुझे बहुत हर्ष है कि हमारे यहाँ के निवासियों ने एक इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण किया कि पहले जो जिला माओवादी घटनाओं के लिए जाना जाता था, अब वो बहुत ही सीमित रह गई है और सब प्रकार की अच्छी व्यवस्थाएं अब यहाँ पर दिखाई पड़ती है, एक अच्छा वातावरण दिखाई पड़ता है, लोग मेन स्ट्रीम में काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इसी मेन स्ट्रीम के माध्यम से चाहे हमारे ट्राइबल्स हो, चाहे हमारे ओबीसी हो, चाहे हमारे नॉन ट्राइबल्स हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के लोग हो, सभी लोगों को साथ में लेकर इस जिले की और इस विभाग की तरक्की हम लोग मिलकर करेंगे।